क्या बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में कि पांच अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो 70 से 75 से और 80 से पूरी तरह क्या हो जाए विभाजित हो जाए। तो पांच अंकों की सबसे बड़ी संख्या का बात करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, 5-9 लिखेंगे, 5-9 लिख देंगे सबसे बड़ी संख्या। तो हम लिखते हैं क्या चीज, पांच अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो पांच अंकों की सबसे बड़ी संख्या का बात करें तो क्या होगा, अगर छोटी का बात करते तो एक लिख के 4 0, जबकि बड़ी का बात करें तो 9 5 times, यही है। लेकिन ये एक ऐसी संख्या है जिसमें कोई जरूरी नहीं है कि 70 से भाग लग ही जाए, 75 से भाग लग ही जाए और 80 से भाग लग ही जाए। तो हमें एक ऐसी संख्या ज्ञात करनी है पांच अंकों की, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें 70 से भी, 75 से भी और 80 से भी भाग लग जाए। तो क्या करते हैं हम लोग, 70 75 और 80 का क्या करते हैं हम लोग, एलसीएम ज्ञात करते हैं। ठीक है, चलो निकालते हैं एलसीएम। तो देखो सबसे पहला मेरा काम क्या होगा, 70 का 75 का और 80 का एलसीएम ज्ञात करना होगा। तो निकालते हैं एलसीएम 70 का 75 का और 80 का। तो सबसे पहले 2 से लगा दिए तो ये हो गया 35, ये हो गया 75 और ये हो गया 40। फिर हमने 2 से ही लगाया, इससे पहले हमने क्या देखा जाना था कि कम से कम एलसीएम लगाने में 2 पेयर होना चाहिए, मतलब एक पेयर होना चाहिए, कहने का मतलब 2 अंक होना चाहिए जिसमें भाग लगे कोई चीज़ से, तभी हम एलसीएम ले सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं, हम 2 से भी लगा सकते हैं सिंगल डिजिट में भी, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 35 रहने दिए, ये 75 रहने दिए, जिसमें लगेगा उसमें लगा सकते हैं। ये 2 से लगाएंगे तो 35 होगा, ये 75 होगा और ये होगा कितना, 10। अब इसके पीछे कुछ कॉन्सेप्ट है, क्योंकि 1 times अगर कोई चीज़ लगता है ना, तो ऐसे भी हम 1 times एक संख्या में लगा सकते हैं। देखो 2 से लगाया गया तो 35 दे दिया, ये 75 हो गया, ये 5 दे दिया। अब हम लगा सकते हैं किससे, 5 से, 5 सत्ते 35, 25 15 नहीं 25 पचे 125 से, 15 पचे 75, ये 5 से 5 एकम 5। अब तो नहीं लगेगा, छोड़ देंगे, लगेगा ना अभी 5 से, अब नहीं लगेगा ना तो छोड़ दिए। तो लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 7 × 3। तो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 5 = 80, 80 × 5 = 400। ठीक है ना, मल्टीप्लाई 7 × 21, गुना करते हैं तो कितना आ जाता है, देखो 4 एकम 4, ठीक है ना, 4 एकम 4 और 4 × 2 = 8 और 2 0, यानी कि 8400 इसका एलसीएम आया है, इसका एलसीएम आया है 8400। तो 8400 एक ऐसी संख्या है जिसमें 70 से भी, 75 से भी और 80 से भी भाग लगेगा। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझना कि अगर हम 84 का टेबल पढ़े, ऐसे समझे तो 84 का टेबल पढ़े, तो 84 का टेबल पढ़े या 2 0 बैठा देंगे लास्ट में, तो 8400 × 2 जो आएगा वह भी 70 से, 75 से और 80 से भाग लग जाएगा। 8400 × 3 जो आएगा वो भी 70 से, 75 से और 80 से भाग लग जाएगा। तो हम लोग को एक ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जो 5 अंकों की हो, इसके निकट की संख्या हो, जो इस टेबल का हो, इस टेबल का हो, क्यों इसी टेबल का हो, ताकि वह 70 से, 75 से और 80 से भाग लग जाए। अगर देखो थोड़ा कॉमन सेंस लगाते, अगर हम 10 मरतबे पढ़ दे, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना, अगर 10 बार पढ़ दे तो ये देगा, ये भी 5 अंक का है कि नहीं। 11 बार पढ़ दे तो क्या देगा, ध्यान से समझना, 11 बार पढ़ दे तो 84 × 11 कर देते हैं, देखो 4 एकम 4, चलो 84 84 यही ना देगा, यहाँ से क्या देगा बोलो, 4 × 2, ये क्या देगा, 9। बहुत ईजी हो गया क्वेश्चन, देखो 9 2 4 और 2 और 0 बैठा दिए तो 11 मरतबे ये आया। हाँ, वास्तविक तो यही कि आंसर यही होगा। अगर हम 12 मरतबे पढ़ के देखें, हम क्यों 11 मरतबे पढ़े, 12 मरतबे पढ़ेंगे तो 6 डिजिट में चला जाएगा, डिमांड था 5 डिजिट का, चेक करो। अगर हम 12 से पढ़े, 84 का टेबल 12 से, तो देखो क्या देगा, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 4 एकम 16 4 16 4 20, और कुछ नहीं बचा था ना, 0, क्या बचा मेरे पास, 2, 8 एकम 8, 8 × 2 = 10 और 2 0 और।
तो क्या आ गया तुम्हारे यहाँ से देख सकते हो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख 1,08,000 जो कि 6 डिजिट का अंक है और डिमांड था 5 डिजिट का ही ना, तो 5 डिजिट में मेरे हिसाब से ये होगा, तो यही मेरा फाइनल आंसर होगा। तो हम ऐसे भी क्वेश्चन को कर सकते बिना कोई दिमाग लगाए हुए, अगर ऐसे नहीं बनाने का मन होता तो हम क्या करते, सबसे पहले मेरा काम होता इससे हम लोग इसको भाग लगा के देखते जो मेरा 5 अंक का सबसे बड़ा संख्या था, यानी 9, 9, 9, 9 और 9 में सबसे पहला मेरा काम होता कि 8400 से भाग लगा देना, तो 8400 एकम 8400 देता रिजल्ट, और यहाँ से 9 होता ये हो जाता कितना 5 और ये हो जाता 1, यही ना, फिर 9 लिखते फिर 1 टाइम्स लगाते तो देता 8400, यहाँ से 9 यहाँ से 9 यहाँ से 5 यहाँ से क्या जाता 7, तो 7599 एक्स्ट्रा है ना, अगर ये ना होता तो कट जाता, शेषफल 0 मिलता, तो इसमें से हम लोग 7599 को इसमें से क्या कर देंगे हम लोग माइनस, देखो 9999 इसमें से हम लोग करते हैं 7599 को माइनस, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से गया था 4 और ये 7 में से 7 गया 2, 9। तो ध्यान से देखो ये आंसर सेम है या नहीं, अगर थोड़ा समय बचाना चाहें तो हम इस ढंग से सोच सकते हैं क्वेश्चन को, बहुत आसानी से कर सकते हैं, तो आशा है कि तुम लोग को समझ में आया होगा, ठीक है, नोट करेगा।